अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मुअज्जज़ नासरीन, आप लोग खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और खैर वाफियत के साथ होंगे। और मैंने कुछ वादा किया था कि मैं बहुत जल्द हसन अशरफ ब्लॉग के नाम से चैनल क्रिएट करूँगा, तो आ चुका है और मैं आज उसी के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। और तो मैं आज उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ और मैं बताऊँगा कि आज मैं जिस जगह पे हूँ, जिस कोने में हूँ, उस जगह पे क्या है, कैसे है, मैं क्या करता हूँ। तो चलिए, वीडियो को बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखें, तब जा कर के आपको समझ में आएगा। और अगर इसी तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं मेरे ब्लॉग का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा पहला वीडियो, पहला ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। तो चलिए, मैं आपको चलता हूँ और दिखाता हूँ कि मैं किस जगह पर रहता हूँ, क्या करता हूँ, कैसा है, क्या चीज़ है। तो बने रहने के लिए लास्ट तक देखते रहें, चलिए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आ चुके हम अपनी मस्जिद के तरफ और मस्जिद का ये जो पहला गेट है, इंट्री गेट, ये देख पा रहे हैं। ये आप पहले गेट से इंट्री करते हैं और ये इंट्री करने के बाद जो ही अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको ये वज़ू खाना देखने को मिलेगा, जिस पर कि लोग वज़ू करते हैं और मैं भी इस पर वज़ू करता हूँ इसी जगह पर ला करके। और पानी भरने के लिए लोटा यहाँ से उठाते हैं बदने को और वहाँ नल पर जाते हैं और वहाँ से पानी को लाते हैं और बैठ करके वज़ू बनाते हैं और आगे चलते हैं इस तरीके से। तो इधर देखिए, कुछ इस तरीके से इस्तिंजा खाना बना हुआ है जहाँ पे इस्तिंजा किया जाता है। और फिर इधर देखते हैं, इधर पूरा बाउंड्री घेरा हुआ है, ये पूरे बाउंड्री घेरा हुआ है। और इधर ये देखिए, बहुत ही आलीशान मस्जिद जो मेरी नज़र आ रही है इस वक्त आप लोगों को, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। जो कि इस मस्जिद के अंदर क्या क्या हैं, कैसे डिज़ाइन हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों ने, मतलब मिस्त्री ने इसको सांचे में ढाला है और बहुत ही खूबसूरत, बेहद अच्छी लगती है। चलिए अभी दिखाते हैं इसके अंदर क्या है, कैसे है। तो बने रहिए पूरे वीडियो तक, मैं पूरी इसकी डिटेल बताने वाला हूँ। अभी मैं गेट खोलता हूँ मस्जिद का, तो सबसे पहले मैं मस्जिद का गेट खोलता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। ये देखिए मेरी मस्जिद जहाँ पे मैं इमामती करता हूँ, ये मस्जिद है हमारी, जो कि जिस गेट से मैंने दाखिल हुआ, इसमें तीन दरवाज़े लगे हुए हैं, जो कि पहला दरवाज़ा ये रहा और दूसरा दरवाज़ा ये आपको ये सामने नज़र आ जाएगा और तीसरा दरवाज़ा ये है। और मस्जिद काफ़ी आलीशान है, आप देख सकते हैं कि टाइल्स लगे हुए हैं और दीगर चीज़ें बहुत, इसके अंदर इन्वर्टर भी है, ये देखें, ये बोर्ड रहा, इधर इन्वर्टर पड़े हुए हैं, माइक है अजान देने के लिए, जो कि यहाँ से माइक को बाहर ले जा करके अजान दिया जाता है। और ये कुछ इस तरीके से ये पूरे खिड़की, ये खूबसूरती इसके हमें बहुत बेहद अच्छी लगी, जो खिड़की मस्जिद के अंदर जो बनाई गई है ये बहुत ही कमाल की है और बहुत ही ज़बरदस्त है कि ठंड इसमें महसूस उतना नहीं हो पाता है गर्मियों में, और अगर गर्मी लगे तो इसे बंद करने के बाद भी एकदम समझिए मस्जिद के अंदर बहुत ही ठंडापन महसूस होती है। और ऊपर देखें तो ऊपर ये किस तरीके सा, मतलब डिज़ाइन किया हुआ है ये देख सकते हैं आप, पूरी एकदम बेहद खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है। और देख सकते हैं ये मस्जिद का कुछ यहाँ नक्शे आला हज़रत बनाया गया है, इधर फिर मदीने शरीफ का बनाया गया है। और ये इमामगाह है जहाँ पे नमाज़ पढ़ाया जाता है और ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। ऊपर भी देख लें आप लोग, ये बहुत ही आलीशान, बहुत ही पुरखलूस इमारत की तरह बनाया गया है ये मस्जिद, जो इधर खाने काबा की डिज़ाइन में एक नक्शा बनाया गया है। और इधर आप देख सकते हैं कुछ किताबें रखी पड़ी हैं, कुरान शरीफ, रिहल वगैरह। तो ये मतलब चारों तरफ से खिड़कियाँ लगी हुई हैं और बहुत ही बेहद अच्छी लगती हैं। ये मस्जिद रही पूरी, इसके अंदर बहुत ही अच्छे चार फैन लगे हुए हैं, छः फैन हैं, एक इधर रहा, फिर एक ये रहा और एक वो रहा, तीन फैन इधर हो गए और तीन फैन इधर हैं, एक वो, एक ये और एक ये।
तीन फैन है जो काफ़ी आलीशान डिज़ाइन इसको रबी उल में सजा गया था जो तक अभी बरकरार है। तो ये रही मेरी मस्जिद जहाँ पे मैं रहता हूँ। ये मस्जिद अभी इस वक्त खमरिया की सरजमी जिसको कहा जाए, ये खमरिया दूसरा खमरिया है जो एमपी के बॉर्डर लग जाता है, और बाहर का कुछ सीन इस तरीके से देखने को मिलता है जो बहुत बेहद अच्छा महसूस होता है, और इसकी खूबसूरती और डिज़ाइन को देख करके तो बहुत ही हमें प्यारा लगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और कमेंट में बताएं ताकि मैं दूसरी वीडियो आप तक लेकर हाजिर हो सकूं। तब तक के चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।